है कितने एक्सीवेटर के मुकाबले में काम कर सकता है। एक तो बिठोदरा तकरीबन 3 एक्सीवेटर के मुकाबले में, एक अगर 3 को एक्सीवेटर काम कर रहा हो तो ये बिठोदरा अकेला उतना काम कर देता है। अभी अपने भाई को दिखाता हूँ, एक्सीवेटर का भी काम दिखाता हूँ, कितने दिन में उसने कितना काम किया है और बिठोदरा ने कितना काम किया है, ये मैं अपने भाई को दिखाता हूँ। ये मेरे भाई आप देखें, ये इधर एक्सीवेटर हमारा एक तो रहा है पत्थर, ये 2 दिन से तो रहा है, ये आप देख सकते हैं मेरे भाई, ये आप देखें, ये उतना 2 दिन में तो रहा है इसने पत्थर, ये एक्सीवेटर में, और ये वाले एक्सीवेटर में जो है ये वाला पत्थर तो रहा है 2 दिन में, ये पूरे 2 दिन लगे हैं इतने पत्थर में, ये देख सकते हैं। तो बुलडोज़र ने कितना पत्थर तो रहा है ये मैं अपने भाइयों को दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये पत्थर। एक तो रिक्तर करने के टाइम पर ये भी ख्याल करना है कि बड़ा पत्थर साइड पे करते जाना है, बड़ा पत्थर निकलेगा, ये देखें ये बड़े पत्थर जो निकले हैं इनको साइड पे करते जाना है, फिर आप तो अच्छा रिक्तर कर सकेंगे। अगर साइड पे नहीं करेंगे तो इसके नीचे जो है फंस जाएगा बुलडोज़र, ना आगे होगा ना पीछे होगा, तो ये ख्याल करना है ऐसे बड़े पत्थरों को साइड पे करते जाना, जैसे बड़ा पत्थर निकले इसको साइड पे कर देना। ये आप देखें ये बड़े पत्थर कैसे निकले हैं, मैं आपको दिखाता जाता हूँ और बाद में इसकी प्रोग्रेस दिखाता हूँ, आप खुद अंदाज़ा कर लेंगे कि ये इसने 1 दिन में कितना काम किया है। तो एक्सीवेटर 2 एक्सीवेटर लगा, 2 दिन में कितना किया है, तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। ये बड़े पत्थर में ऐसे ये इधर से ऐसे तरतीब से मैं रित्तर कर रहा हूँ, इस साइड को जा रहा हूँ, जो बड़ा पत्थर निकलेगा उसको इधर साइड पर कर देंगे। ये आप देखते जाए, मैं वो जगह से शुरू किया था, ऐसे तरतीब से करता आ रहा हूँ बड़े पत्थर साइड, ये आप देखें कितने कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, ये बड़े पत्थरों को साइड पे करते जाना है। तो आप एरिया भी चेक कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा एरिया आज जो है मैंने रित्तर कर दिया है। 3 बुक लाइन के मुकाबले में ये अकेला काम करता है बुलडोज़र, अगर 3 बुक लाइन काम कर रहा हो बुलडोज़र अकेला हो तो ये पत्थर इतना तोड़ देता है, बाद में इसने आगे से धक्का भी लगाना है, इसलिए ये 3 बुक लाइन भी इसके मुकाबले में नहीं है तकरीबन, अगर आदमी अच्छे से काम करने वाला हो तो। ये आप देख सकते हैं ये सारा एरिया इधर जितना भी है, ये मैं जो मोबाइल घुमा के दिखा रहा हूँ अपने भाइयों को, ये आप देखें ये सारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह तोड़ दिया है, एक्सीवेटर का भी टूटा हुआ मैंने दिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अब इधर एंड हो गया है, तो उस साइड पे जो है काम कर रहा है एक्सीवेटर, ये आप देखें इधर एक एक्सीवेटर काम कर रहा है, इधर थोड़ा हार्ड पत्थर था, इधर एंड हो गया, उधर सारा मैं करके आ गया हूँ, वो जगह पे भी एक्सीवेटर तो रहा है, तो ये आप देख सकते हैं सारा इधर हो गया। अब मैं इसको लगाऊंगा धक्का, ये जितने बड़े पत्थर हैं पहले ये एक्सीवेटर को बोलूँगा ये तोड़ देगा, ये जितने भी बड़े बड़े पत्थर निकाले हैं। तो रित्तर करने के टाइम पे ये ख्याल ज़रूर रखना है, जब भी बड़ा पत्थर आएगा उसको साइड पे करते जाना है, फिर जो है रित्तर आगे करते जाना है तरतीब से, एक साइड से शुरू करना है, इधर से मैंने शुरू किया था ऐसे, आप देखें करते करते जो है जिधर आप रित्तर कर लेंगे उसी साइड पे बड़े पत्थर को करते जाना है, ताकि आपका जो रित्तर करने वाली साइड है वो बिल्कुल क्लियर रहे। तो ये ऐसे करते जाएँगे आपका इंशाल्लाह काम में रुकावट भी नहीं आएगा, उसका फ़ायदा ये होगा साइड पे करते जाएंगे, इसके नीचे जो है आप देख ये देख सकते हैं इसके नीचे जो है पत्थर नहीं फंसेगा, अगर इसके नीचे पत्थर फंस जाए तो ना बुलडोज़र आगे होता है ना पीछे होता है। तो ये तरीका मैंने अपने भाइयों को दिखाना था, दूसरा ये दिखाना था कि एक बुलडोज़र कितनी मशीनरी के जो है मुकाबले में काम कर सकता है, तो 3 एक्सीवेटर के मुकाबले में ये बुलडोज़र जो है काम कर सकता है, अगर नरम पत्थर हो तो फिर तो 4 बुक लाइन भी जो है इसके मुकाबले में काम नहीं कर सकता। तो ये पत्थर थोड़ा हार्ड था, ये आप देख सकते हैं जितना एरिया मैं अपने भाइयों को दिखा रहा हूँ ये 1 दिन में जो है कर दिया रित्तर, रित्तर से ये सारा पत्थर निकाल दिया। आप बस ये एक्सीवेटर छोटा करेगा, हम इसको अल्हम्दुलिल्लाह फिर धक्का लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को समझ में आ गया होगा। तो ऐसी प्रोग्रेस की भी जो है आपने मालूमात रखनी है कि प्रोग्रेस कैसे निकालनी है, और प्रोग्रेस जो है एक बुलडोज़र कितनी एक्सीवेटर के मुकाबले में प्रोग्रेस निकालता है। तो और मैं मेरे कुछ भाइयों ने मुझे सवाल किया है कि इंजेक्टर के बारे में, तो इंशाल्लाह वो भी मैं अपने भाइयों को बताऊंगा, इंजेक्टर की मालूमात भी दूंगा। तो ये आज की मेरी मालूमात।